ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की पूर्णिमा तिथि। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूर्णिमा है मंगलवार को पड़ रही है, जो कि इस दिन को, इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है ना। अगर अभी तक आप सब कुछ करके हार गए, जो कुछ भी आप मांगते हो नहीं मिलता, किसी भी काम में हाथ डाल देते हो उस काम में हमेशा असफलता ही मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस थोड़ा सा काला धागा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी, ठीक है। उससे पहले बता दूं कि पूर्णिमा पर करने वाले चार बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो मैंने बात की है काले धागे की। कहोगे भाई इसके बेनिफिट क्या होंगे? जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो आपका काम नहीं होता, आपको हमेशा असफलता मिलती है, चाहे बिजनेस हो, शादी हो, नौकरी हो, एग्जाम, किसी भी में क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से काला धागा, ठीक है। कितना बड़ा काला धागा? सबसे बड़ा मैटर यही फंसता है, जितनी आपकी हाइट है, कितनी, जितनी भी आपकी हाइट है। जैसे मान लो ये मैंने आदमी बना दिया, नाक बना दो इसका, हाँ ठीक है, तो जितनी भी इसकी हाइट है ना, सर से लेकर के पैर तक उस काले धागे को नाप लेना, कि इतना बड़ा काला धागा लेना सर से लेकर के पैर तक। चाहे आपकी हाइट 2 फिट है तो 2 फिट का धागा, आपकी हाइट 5 फिट है तो 5 फिट का काला धागा, ठीक है, ले लिया। अब इस काले धागे को लेकर चले जाओगे बजरंग बली के मंदिर में। एक तो पूर्णिमा, ऊपर से मंगलवार का दिन सबसे पवित्र दिन माना जाएगा। आप क्या करेंगे, जितना भी काला धागा आपके पास में है वो बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर देना। एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के सामने लगाना। एक हनुमान चालीसा का पाठ करना, जब पाठ आपका खत्म हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, तो हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, जिस भी काम के लिए आप जाते हो वो काम अधूरा रह जा रहा है, किसी एग्जाम के लिए जाते हो पेपर नहीं अच्छा होता है, पढ़ाई तो बहुत करते हो पर एग्जाम नहीं अच्छा हो पाता है ना, आप क्या करेंगे, जो काला धागा यहां पर समर्पित किया है उस काले धागे को उठा लेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने पैर इसलिए दिखा रखा है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं ना, जब स्टूडेंट जाते हैं, जैसे मैं भी पहले पेपर देता था, तो बहुत सारे ऐसे पेपर होते थे जिसमें हाथ का जो कलावा बांधते हैं ना वो भी काट लेते हैं, कुछ भी हाथ में पहने रहोगे सब निकाल देंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर हाथ में आपको पहनने दें तो वो काला धागा जो आपके पास में है वो हाथ में पहन के जाना, लेकिन अगर हाथ में नहीं बांधे देते हैं तो चाहे तो पैर में पहन लो या फिर कमर में बांध लो। कहीं अब पैर में पहनने का मतलब नहीं कि भगवान के चरणों में समर्पित था तुम कैसे पैर में पहन, नहीं, आप उपाय कर रहे हो, तो आप ये समझ सोचा करो, आप अपने आप को एक स्ट्रांग कर रहे हो, ये सोचने की जरूरत नहीं है, कमर में बांध लो हाथ कहीं पर भी, लेकिन आपको काला धागा अपने शरीर में बांध करके कहीं भी किसी भी काम के लिए जाओगे ना, वो सारा काम आपका सफल जरूर होगा, करके देखिएगा। एक तो मंगलवार, ऊपर से पूर्णिमा पड़ रही है, सुंदर संयोग है सावन के अधिक मास का, तो करना जरूर है सबको, ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो पहले उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया दूसरा उपाय के लिए है, क्या इसके बेनिफिट हैं? देखो सबसे बड़ा फायदा है क्या है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, बीमारी उसकी ठीक हो ही नहीं पा रही है, चाहे छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो, क्या करेंगे, आपको इस तरीके से लेना होगा पीपल के पत्ते, ठीक है। कितने पत्ते लोगे? 5 पीपल के पत्ते लेना, गिन करके, ठीक है, ले लिया 5 पीपल के पत्ते। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी काला तिल लेना है ना, ले लिया। फिर हमें लेना होगा हल्दी। अब हल्दी में हमें पिसी हल्दी नहीं लेनी है, इस तरीके से 1 हल्दी की छोटी सी गांठ ले लेना, ठीक है, ले लिया। इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, इसमें भर लेना जल, वो भी कहाँ से, अपने घर से, इसमें डालोगे 5 पीपल के पत्ते, 1 चुटकी काला तिल और 1 खड़ी हल्दी, ठीक है, डाल दिया। इसको लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उस कलश का जो भी सामान है, जो भी जल है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा के दिन महादेव का 2 नाम हमेशा बोला जाता है, और वो नाम है चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव, दोनों में से कोई भी एक नाम से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना, ठीक है। हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारे घर का ये सदस्य है, जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें, कुछ इस तरीके से कामना करेंगे। और यहां पर जो आपने चढ़ाया है उन 5 पीपल के पत्तों को वहां से उठा लेंगे,
ठीक है। उठाने के बाद उसको लेके आप अपने घर चले जाना। घर पहुंच करके जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा ना, जो भी व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर उस पीपल के पत्ते का छिड़काव कर देना, छिड़क देना उस जल को। व्यक्ति की जो बीमारियाँ होंगी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होगी, ठीक है। यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई बहन को डाउट होगा, भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती है, आप कैसे बता रहे हैं? तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि गुरु जी की कथा से ही सारी चीज़ें मैंने निकालता हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो इस उपाय को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई और उपाय बीमारी का आप कर लेना। लेकिन अगर आपको डाउट है तो मत करना, विश्वास है, भरोसा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय तो बहुत प्यारा है और बहुत आसान है, लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा धतूरा, दिख रहा है धतूरा? तो धतूरे को लेना होगा मात्र एक। जहाँ पर भी महादेव का मंदिर होगा, उनके आसपास जो लोग फूल पत्ती बेचते हैं, उनके पास धतूरा ईजिली आपको अवेलेबल मिलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ले लेना एक धतूरा। अब उस एक धतूरे को लेकर के साथ ही साथ लेना एक तांबे का लोटा, जिसमें जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। भर लिया, इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। लेकिन अब यहाँ पर एक चेंजिंग है, वो चेंजिंग क्या है कि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल नेग्लेजिबल हो, यानी कि वहाँ लोग आते ही ना हो, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अगर ऐसा शिवलिंग नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना, ठीक है। जो एक धतूरा लेकर के गए हो, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, और कांटे का जो भाग रखोगे वो रखोगे आप अपनी तरफ, ठीक है, रख लेना। और उसी के ऊपर आपको चंद्र मौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव या फिर एक नाम अगर एकांत में कर रहे हो तो एकांतेश्वर महादेव। अगर कहीं पब्लिक वाले आप महादेव के शिवलिंग पे कर रहे हो तो आपको वहाँ पर चंद्र मौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना। अगर अकेले कर रहे हो जहाँ पर कोई नहीं है तो एकांतेश्वर महादेव के नाम से उसके ऊपर जल चढ़ा देना। अपने जीवन के जो कष्ट हैं वो कह देना, सारे विशेष पूरी होंगी, सारी जीवन की जितने भी कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कांटे वाला फल महादेव को समर्पित किया जाता है कि जीवन के जितने कांटे हैं वो महादेव को दे दो और महादेव आपके जीवन में सारी खुशियां दे देंगे, समझ में ये बात? चलो, तीन उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम, दोनों आईडी मेरी है सेम नाम से, द नेचुरल प्लैनेट 108, दोनों जगह फॉलो कर लीजिए, दोनों जगह मैं आप सभी से बातें किया करूँगा, ठीक है। चलो समझते हैं कि इसके सबसे पहले बता देते हैं फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है या फिर धन संपदा आती नहीं है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या? बेलपत्र दिख रहा होगा, 5 बेलपत्र लेना। ऐसे बोलते बोलते कभी कभी मैं अटक सा जाता हूँ, कहीं लिखा तो नहीं मेरे पास कि कहीं लिख के बोल रहा हूँ, ऐसे स्क्रीन पर दिखता जाता है, बोलता जाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है मैं अटक जाता हूँ। तो 5 बेलपत्र ले लेना, ठीक है, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। साथ ही साथ लेना होगा आपको कमलगट्टा, ठीक है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए कमलगट्टा ज़रूर चाहिए होता है। तो एक कमलगट्टा लेना, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, है ना, ले लेना। इन दोनों चीज़ों को लेना, साथ ही साथ लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में भरना जल, है ना। जल के अंदर आपको डालना होगा कमलगट्टा, बेल जो बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को मत डालना, सिर्फ कमलगट्टे को डाल देना, है ना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में 5 बेलपत्र रहना, उस 5 बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। धन की कामना करनी है धन की कामना, व्यापार करना है व्यापार, नौकरी, जो भी इच्छा है उस कामना से एक एक बेलपत्र समर्पित करना। डंडी होगी इस साइड और पति का मुख होगा इस साइड। लेकिन जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो यहां पर महादेव का चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव, कौन सा नाम? चंद्रमौली या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो एक लोटा जल जिसमें कमल गट्टा है वो उसी के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय पूर्णिमा के दिन कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं, इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। और आपकी तो कोशिश की, इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर उपाय बताने की, तो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।